हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू वगल कथा फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए दो आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसी लेकर के आई हूँ दोस्तों इससे पहले भी मैं बहुत सारा डी ए बी डी पी एस के वी एस ए पी एस एन आदस रिपूटेड प्राइवेट स्कूल्स की वैकेंसी का अपडेट ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे जा कर के चेक कीजिए और जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए दोस्तों ठीक है और वेस्ट बेंगल की भी बहुत सारी वैकेंसीज दी हुई है चैनल पर आप लोग जा कर के देखिए और जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए तो दोस्तों पहले वैकेंसी आई हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर से ये सी वी एफिलेटेड स्कूल है आप लोग सभी जानते हैं होंगे और ये आ, नियर सिविल एरोड्रोम कानपुर कांड से ये वैकेंसी आई हुई है तो प्लेस ऑफ वर्क यहाँ पे दिया हुआ है देखिए एपीएस कानपुर कांट में वैकेंसीज़ है पीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स एंड पीएचई और यहाँ पे बेसिक पे दी जाएगी थर्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी सेवन रुपीज़ एंड ए पी एस ओल्ड कांड प्रयागराज में भी रिकॉर्मेंट है और एक ब्रांच पे कांड का कानपुर कांड में तो ए पी एस ओल्ड कांड प्रयागराज में भी रिकॉर्मेंट है आप लोग देख सकते हैं टी जी टी साइंस पी आर टी बेसिक पे यहाँ पे दी जाएगी टी जी टी साइंस के लिए थर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री रुपीज़ और पी आर टी के लिए थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी फाइव रुपीज़ डी ए एंड एच आर एप्लीकेबल एज़ पर स्कूल नॉम्स तो ये सब स्कूल नॉम्स के हिसाब से आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी कैंडिडेट्स ऑलरेडी होल्डिंग सी एस बी स्कोर कार्ड एंड हु हुव रिसेंटली पास्ड सी एस पी रिटर्न एग्जाम विद फिफ्टी परसेंट मार्क्स ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई तो आप लोग सी एस बी एग्ज़ाम रिसेंटली पास किए हैं विद मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों एप्लीकेशंस फॉरवर्डेड थ्रू ई मेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड तो ईमेल के द्वारा कोई भी एप्लीकेशन की जाए तो उसको एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी दोस्तों क्वालिफिकेशन देख लीजिए द रिक्विजिड क्वालिफिकेशन आर यहाँ पे दिया हुआ है देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन पीजीटी के लिए है पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों का होनी चाहिए इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट विद मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स प्रोफेशनल में होनी चाहिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में लिखी हुई है देखिए बी होनी चाहिए आप लोगों का विद मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स एंड ए डब्ल्यू ई एस सी एस बी कार्ड आप लोगों का होनी चाहिए एज फेस कैंडिडेट के लिए बिलो फोर्टी ईयर्स एज ऑन फर्स्ट एप्रिल टू टू और यहाँ पे देखिए टी में एडुकेशन जो रिक्वामेंट है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे टी के लिए मैंडेटरी नहीं है रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट पे विथ मिनिमम 50 परसेंट मार्क्स चाहिए बड चाहिए दोस्तों फिफ्टी परसेंट मार्क्स के साथ एंड इन डब्ल्यू ए डब्ल्यू ई एस सी एस पी और सी टेड का सेकेंड पेपर और टेट और बी पी एड फॉर पी पोस्ट होनी चाहिए दोस्तों ठीक है और पी के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स के साथ और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन होनी चाहिए डी और बी मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स होनी चाहिए दोस्तों ए डब्लू एंड सी और टेट क्लियर होनी चाहिए आप लोगों का सीटे पेपर वन पी के लिए क्लियर होनी चाहिए ठीक है एक्सपीरियंसड कैंडिडेट्स यहाँ पे देखिए एज और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि फ्रेश uh, कैंडिडेट्स के लिए बिलो एज uh, uh, होनी चाहिए आप लोगों का और कैंडिडेट के लिए बिलो फिफ्टी सेवन ईयर्स होनी चाहिए आप लोगों तो, uh, का एज इन द लास्ट टेन ईयर्स इन रेस्पेक्टिव कैटेगरीज तो मिनिमम फाइव ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए दोस्तों इन द लास्ट टेन ईयर्स ठीक है यहाँ पे देखिए बोला गया है कि द ए एवअप मैंशन पोस्ट आर फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट इधर यहाँ पे रेगुलर अपॉइंटमेंट की जाएगी और द सिलेक्शन प्रोसेस विल इंक्लूड इंटरव्यू फॉलोड बाय रिवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स तो टीचिंग स्किल्स का जो आप लोगों का है नॉलेज है टीचिंग स्किल्स में और टीचिंग स्किल्स आप लोगों का है उस उसके ऊपर रिवोल्यूशन की जाएगी और यहाँ पे परमानेंट बेसिस पे रिक्रूट किया जाएगा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर डिटेल्स कैन बी ऑप्टेन बिटवीन नाइन आवर्स टू फोर्टीन आवर्स फ्रॉम द स्कूल ऑफिस तो आप लोग सुबह नौ से दो बजे तक दो बजे तक आप लोग ए कानपुर से uh, ले सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं एंड एप्लीकेशन फॉर्म मे ऑल्सो भी डाउनलोडेड फ्राम स्कूल वेबसाइट आप लोग स्कूल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ए पी एस कानपुर डॉट कॉम से और आप लोगों को हंड्रेड रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा एंड कॉपीज़ ऑफ ऑल एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ड्यूली सेल्फ एटेस्टेड मस्ट मस्ट बी सबमिटेड टू एपीएस कानपुर ऑन और बिफोर फोर्थ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बाई टू आवर्स तो दोस्तों आप लोगों को uh, um, दो बजे के फोर्थ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दो बजे के आगे ही आप लोगों को फिल कर देना है सबमिट कर देना है दोस्तों ए कानपुर में ये जो आप लोगों का ड्यूली सर्टिफिकेट ए, है ड्यूली सेल्फ एटेस्टेड सर्टिफिकेट्स एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और डिमांड ड्राफ्ट जो है ये सब आप लोगों को एक साथ करके आप लोगों को जमा कर देना होगा ए कानपुर में विद इन फोर्थ अप्रैल दो बजे से पहले दोस्तों क्या क्या देना पड़ेगा दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके देना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा हंड्रेड रुपीज़ का और उसके साथ एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फोटो का भी सेल्फ एटेस्टेड करके आप लोगों को देना पड़ेगा ए पी एस कानपुर पर देयर आफ्टर नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिकॉर्ड विल बी एंटरटेन फोर्थ अप्रैल के बाद दो बजे के बाद कोई भी एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड टू ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फ्रो टेलीफोनिकली और ई मेल देअर फोर कैंडिडेट मास्ट मैंशन द करेक्ट मोबाइल नंबर एंड ई मेल आई डी आप लोग करेक्ट ई मेल आई डी एंड मोबाइल नंबर दिए दोस्तों ताकि आप लोगों को कंटेक्ट की जाए इंटरव्यू के लिए नोट टी एडीए इज एडमिशबल कोई भी टी एडीए नहीं दिया जाएगा दोस्तों इसके लिए और नेम ऑफ द स्कूल फेर कैंडिडेट इज अप्प्लाइंग टू बी मैंशन क्लियरली सेपरेट एप्लीकेशन एंड डी डी विल बी सबमिटेड फॉर सेपरेट पोस्ट और स्कूल तो सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन एंड डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन के लिए दोस्तों और स्कूल के लिए ठीक है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड डी डी विल नॉट बी एक्सेप्टेड डिसीजन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजिंग कमिटी विल बी फाइनल एंड अवेडिंग फॉर एनी क्वेरीज़ प्लीज़ कंटेक्ट कोई भी क्वेरीज और कन्फ्यूजन के लिए आप लोग सेवन फाइव टू फाइव जीरो डबल सिक्स नाइन एट नाइन पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी है परमानेंट बेसिस पे रेगुलर बेसिस पे रिक्रूट किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए वैकेंसी आई हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर से दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है सैनिक स्कूल संबलपुर ओडिशा से ये वैकेंसी आई हुई है दोस्तों वॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी थर्टी मार्च टू टू को और आप लोग देख सकते हैं टी जी इंग्लिश में वैकेंसीज है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ है फोर इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ इन इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स होनी चाहिए और आप लोगों का बैचलर डिग्री होने से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट नेक्स्ट है दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर एज वन ऑफ सब्जेक्ट्स इन ऑल द थ्री ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन और फोर ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स बी एड डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए आप लोगों का पास इन द सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों का सीटेड क्लियर होनी चाहिए पेपर टू इंग्लिश में प्रोफिसियंसी होनी चाहिए और आप लोगों का एज ट्वेंटी वन uh, से थर्टी फाइव ईयर्स तक होनी चाहिए एज़ ऑन फर्स्ट मार्च 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू यहाँ पर डिजायरेबल कुछ कंडीशन दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं ये और स्क्रीन शॉट भी दे ले सकते हैं डीजीटी इंग्लिश के लिए ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सैलरी दी जाएगी अनरिजर्व कैटेगरी में ये वैकेंसी है दोस्तों और अच्छी वैकेंसी है दोस्तों आप लोग ज़रूर फिल कीजिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ये टेम्पोरिरी बेसिस पर रिक्रूट किया जाएगा वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी इसलिए सैनिक स्कूल संबलपुर ओडिशा से वैकेंसी आई हुई है लेकिन दोस्तों ये देखिए ये जो ए का वैकेंसी है यहाँ पे यहाँ पे देखिए एंटिसिपेटेड वैकेंसीज दिया हुआ है एंटिसिपेटेड वैकेंसीज फॉर द सीजन 2022 टू 23 तो रेगुलर बेसिस पे ही रिक्लूड किया जाएगा बट फॉर द सेशन ऑफ 2022 टू 23 आप लोग डिटेल्स के लिए यहाँ पे कॉल कर सकते हैं देखिए नीचे यहाँ पे दिया हुआ है नंबर दिया हुआ है दोस्तों सेवन ठीक है तो टी जी टी इंग्लिश टी जी टी मैथ्स ट्वेंटी फ़ाइव थाउजेंड दी जाएगी दोस्तों सैलरी आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ को स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सारा से सारा डिटेल्स नहीं पढ़ रही हूँ ये भी अन रिजर्व कैटेगरी में है वैकेंसी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सैलरी दी जाएगी वीडियो रोक रोक करके आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं दोस्तों इन इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को सुबह नौ बजे से टेम्पररी बेसिस पे रिक्रूट किया जाएगा प्योरली ऑन टेम्पररी बेसिस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द सैलरी विल बी पेड एज पर एक्सटेंड स्कूल रूल्स एंड रेगुलेशन इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स विद द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में टेक पार्ट इन यू वर्क इन इंटरव्यू स्कड्यूल टू बी हेल्थ ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सुबह नौ बजे सैनिक स्कूल संबलपुर में ये इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी यहाँ पे बोला गया है थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कोई टी नहीं दी जाएगी दोस्तों इंटरव्यू के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स शुड बी रेडी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज रेसिडेंशियल स्कूल तो रेसिडेंशियल स्कूल में आप लोगों का आप लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी इंडियन नेशनल्स ओनली टू अप्लाई इंडिया में जिन लोग सिटीजन रह चुके हैं और सिटीजन हो आप लोग वही अप्लाई कीजिए दोस्तों द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी और ऑल द वैकेंसीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कैंडिडेट्स हर टू ब्रिंग द सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एलॉन्ग विद बायोडाटा और रिज्यूम ए पासपोर्ट फोटोग्राफ फॉलिंग विद देअर कैंडिडेटचर विल नॉट बी एंटरटेंड कैनवाजिंग इन एनी फॉर्म विल डिस्कालीफाई द कैंडिडेटचर ऑफ द एप्लीकेंट तो अब लोग ठीक से आ, कोई भी इनकनवीनियंस हो तो दोस्तों यहाँ पे कैंसिल हो, हो जा सकती है एप्लीकेशंस ठीक है तो आप लोग अच्छे से फिल कीजिएगा अच्छी वैकेंसी है आर्मी स्कूल का जो जॉब सर्टिफिकेट होता है दोस्तों बहुत ही वैल्यूएबल होता है आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा ठीक है वैकेंसी आई हुई है सैनिक स्कूल संबलपुर ओडिशा से दोस्तों वाक इंटरव्यू कनेक्ट करा जाएगी थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को तो अच्छी वैकेंसी है दोस्तों पहली वैकेंसी थी कानपुर से ये भी एटिसिपेटेड uh, वैकेंसी है और यहाँ पे सेशन 2022-23 के लिए रिक्रूट uh, किया जाएगा बट यहाँ पे बोला गया है कि रेगुलर अपॉइंटमेंट यहाँ पे होगा मतलब कि कोई भी क्लास के बेसिस पे आप लोगों को सैलरी नहीं दी जाएगी दोस्तों रेगुलर अपॉइंटमेंट दिया गया है यहाँ पे वैकेंसी आई हुई आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर से जो कि सी एफिलेटेड है आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों अच्छी वैकेंसी है दोनों स्कूल का ही अच्छी है आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर एंड संबलपुर से वैकेंसी आई हुई है आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए और ऐसी ही छोटी बड़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज का अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों थैंक यू